ना जाने ये कोरोना और कितनों की जान लेगा, पता नहीं अभी और कितने अपनों को हमसे दूर ले जाएगा। इस कोरोना महामारी ने आज एक ऐसे सिपाही को हमसे छीन लिया है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजाद हिंद फौज के सिपाही ललती राम की, जिनका कोरोना महामारी की चपेट में आने की वजह से रविवार को निधन हो गया। 100 वर्ष की आयु में ललती राम ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ललती राम के निधन का समाचार जैसे ही बाहर आया, देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी से लेकर हर छोटे बड़े नेता ने उनके निधन पर न सिर्फ शोक जताया बल्कि उनके साथ अपनी यादें भी साझा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि ललती राम जी को सदैव अपने देश सेवा और समर्पण के लिए याद किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ INA के एक मजबूत स्तंभ के रूप में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उनका जीवन संघर्ष हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान करे। ओम शांति शांति। स्वर्गीय ललती राम जी आज 100 वर्ष की आयु पूरी करके उनका निधन हो गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन की ओर से BDPO बेरी रामकृष्ण शर्मा तथा DSP राहुल देव जी ने उनको अंतिम विदाई पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही करीब 100 वर्ष की आयु में एक स्वतंत्रता सेनानी की उल्लेखनीय भूमिका श्री ललती राम जी ने निभाई है। झज्जर जिले के लिए यह गौरव की बात है कि इस महान विभूति ने पूरे देश में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। समाज सेवा के दृष्टि से भी इन्होंने निरंतर एक नई दिशा युवा पीढ़ी को देने का काम किया है। आज उनके निधन पर झज्जर जिला प्रशासन गहरा शोक प्रकट करता है तथा उनके पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। इतना ही नहीं, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी ट्वीट के माध्यम से इस महान विभूति को अपनी विदाई दी। स्वर्गीय ललती राम झज्जर जिले के दुबलधन गांव के रहने वाले थे। वो स्वतंत्रता सेनानी समिति के चेयरमैन थे और आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी थे। उनके निधन के साथ ही एक अध्याय का अंत हो गया। ललती राम को अलग अलग समय पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आजाद हिंद फौज की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ललती राम ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया था। BJP प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने अपने ट्वीट में लिखा कि झज्जर जिले में मूल रूप से दुबलधन गांव निवासी आजाद हिंद फौज के वीर सिपाही श्री ललती राम जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। देश की आजादी के लिए उनके द्वारा दिया गया योगदान सदैव युवाओं को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता रहेगा। ओम शांति। बता दें कि ललती राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी थे। नेताजी उनका बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो सिंगापुर हांगकांग की जेल में बंद रहे। आजाद हिंद फौज के वीर सिपाही रहे ललती राम को INA में रहते हुए बहादुरी के लिए 3 मेडल मिले हैं। वो अम्बाला, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, जापान, कोलकाता जेल में भी रहे हैं। ललती राम के परिवार से 5 बेटे पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए देश सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर सेना में भर्ती हैं। बाद की पीढ़ी की बात हो तो 9 पोत्रों में से 5 पोत्र फौज में हैं तथा 1 पोत्री पुलिस में है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।